आज की डिश है चिली अरबी सब्जी और चिली कोलोकेशिया और टैरो रूट वेजिटेबल। आज हम बनाने जा रहे हैं चिली अरबी, और उसके लिए हमें चाहिए तेल फ्राई करने के लिए अरबी आधा किलो। अरबी को इस तरह से काटेंगे बीच में से, पहले बॉईल हमने कर लिया है और बॉईल करके छिलके निकाल लिए हैं, तो बीच में से इसको हम दो फाड़ कर देंगे, दो टुकड़े कर देंगे। और उसके बाद में हमें चाहिए प्याज, जिसके हमने जो लीव्स हैं वो अलग से कर दिए हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में बना दिया है। शिमला मिर्च 3, बेसन 1 कटोरी, गार्लिक ग्रेटेड 2 टेबलस्पून, नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून और धनिया पाउडर 1 टीस्पून। सबसे पहले हम सारी अरबी को बीच में से दो टुकड़ों में काटेंगे सेंटर से, ताकि अच्छी तरह से फ्राई हो सके। हमने सारी अरबी को काट कर रख दिया। तेल को गर्म होने के लिए रख देते हैं मीडियम फ्लेम पर, और तब तक जो बेसन और स्पाइसेस का मिक्सचर है जिसमें अरबी कोट होगी उसे तैयार कर लेते हैं। उसके बाद में अरबी को हम इसमें कोट कर, एक बोल में हमने बेसन लिया, उसके ऊपर गार्लिक डाल दिया है, फिर नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला और धनिया पाउडर ये डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। बेसन और मसालों का मिक्सचर जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब अरबी के टुकड़ों को इसमें अच्छी तरह से लपेटना है, ताकि इस पर अच्छी तरह से ये मसाला या बेसन का मिक्सचर जो है ये कोट हो जाए। आप चाहें तो एक से ज़्यादा पीसेस भी डालकर इसको कोट कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया हुआ है, या एक एक करके कर सकते हैं। और ये सब अब कोट होकर तैयार हैं। तेल गरम हो चुका है, हमने एक टुकड़ा डाल के चेक कर लिया है, तेल गरम है। अब फ्लेम को हमने लो पे कर देना है, और सारी जो फ्राइंग है वो लो फ्लेम पे होगी, बिल्कुल धीमी आंच पे होगी। सो थोड़े थोड़े टुकड़े डालकर आप इनको अच्छे गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लें। हमारा जो पहला लॉट है वो फ्राई हो चुका है, इसी तरह से अब बाकी की अरबी को भी फ्राई कर लें। हमने सारी अरबी जो है वो फ्राई करके अलग से रख दी है, और अब हम प्याज को फ्राई करेंगे। तो प्याज को आधा ही फ्राई करना है, ताकि वो क्रिस्पी और क्रंची रहे, ज़्यादा फ्राई ना करिए। तो सारा प्याज इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके आप डालें, और इसको, ये पहला लॉट है जो हमने डाला है, और इसी तरह से बाकी प्याज भी आप हिस्सों में बांटकर फ्राई कर लें। और ये सारा प्याज हमने फ्राई करके रख लिया। अब शिमला मिर्च की बारी है, उसे भी इसी तरह से आधा फ्राई करना है, ताकि ये पक ना जाए, आधी कच्ची रहे, ताकि इसमें जो क्रिस्प और क्रंचीनेस है वो बरकरार रहे। तो ये भी तैयार हो गई है। अब कढ़ाई का तेल निकाल देंगे, और इसी कढ़ाई में सारी सब्ज़ियाँ दोबारा से डाल देंगे और मिक्स करेंगे। सारी सब्ज़ियाँ हमने कढ़ाई में फिर से डाल दी, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 2-3 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर रखकर हम मिक्स करेंगे। आप नमक चेक कर लें, इस टाइम चाहें तो आप सोया सॉस भी डाल सकते हैं, अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, जैसा आपका आप चाहते हैं उसी तरह से आप इसको मोल्ड कर सकते हैं इस सब्ज़ी को। और हमने इसको मिक्स कर लिया है, और इसको ट्रांसफ़र कर लिया हमने। इसको हम साइड डिश के तौर पर भी खा सकते हैं, और स्टैंड अलोन डिश की तरह भी खा सकते हैं। तो ये थी आज की सब्ज़ी चिली अरबी। आशा आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसे ज़रूर बनाएं और हमें बताएं कि आपको कैसी लगी। इसे शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।